please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पिछले कुछ दिनों से लगातार बैंक घोटालों से जुड़ी खबरें सामने आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस समिट के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे कहा कि आर्थिक मामलों से जुड़े अपराधों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये सरकार आर्थिक विषयों से संबंधित अनियमितताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है, करती रहेगी और करेगी। तो ग्लोबल बिजनेस समिट में प्रधानमंत्री ने बयान दिया है। काफी दिनों से विपक्ष इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री को कोस रहा था कि सरकार इस मामले पर बोल तो रही है, लेकिन नेता बोल रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने नीरव मोदी और पीएनबी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इस मसले पर यह कहा कि आर्थिक अपराधों पर कार्रवाई जारी रहेगी। कार्ति चिदंबरम को पेशी से राहत के लिए ईडी के पास जाना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन के खिलाफ दायर कार्ति चिदंबरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पेशी में मोहलत के लिए ईडी के पास जाने को कहा। मध्य प्रदेश में शनिवार को दो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में तीन विधायकों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक घायल बदमाश को पकड़ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चेन्नई में तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता के जन्मदिन पर AIADMK सरकार की महिलाओं को 50% सब्सिडी पर दोपहिया देने वाली अम्मा टू व्हीलर योजना के लॉन्च कार्यक्रम में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के सुचेतगढ़ में पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन मामले को लेकर BSF और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच सेक्टर कमांडर लेवल की एक मीटिंग हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में RSS प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। यूपी के ग्रेटर नोएडा में वकीलों ने हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रदर्शन किया। मुंबई में MNS के एक नेता नितिन नंदगांवकर पर एक कैब ड्राइवर के वर्दी न पहनने पर उठक बैठक कराने का आरोप लगा। चारा घोटाले में जेल में बंद लालू प्रसाद यादव की जमानत की अर्जी पर पुनर्विचार के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने कम से कम आधी सजा पूरी होने तक का इंतजार करने को कहा। यूपी के नोएडा सेक्टर 27 में पुलिस ने एक हुक्का बार को अवैध बताते हुए छापेमारी की और 12 छात्रों को भी पकड़ा। फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट फॉलो करने के बाद इलाहाबाद के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश आ गया है। इलाहाबाद कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी कर अमिताभ बच्चन का आभार जताया है और गिले शिकवे भुलाकर पार्टी में वापस आने की अपील भी की है। कांग्रेस के जिला महासचिव हसीब अहमद सोशल मीडिया पर जारी इस पोस्ट में अमिताभ बच्चन के साथ राजीव गांधी और राहुल गांधी को भी दिखाया गया है। आप इलाहाबाद के सांसद भी रहे हैं तो हम कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको निमंत्रण ये दे रहे हैं और आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आप इलाहाबाद पुनः घर वापसी करिए, कांग्रेस में पुनः घर वापसी करिए। 2019 का लोकसभा चुनाव इसी इलाहाबाद से कांग्रेस के सिंबल पर लड़िए और तमाम हिंदुस्तान के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आप अगुवाई करिए। कार्ति चिदंबरम को पेशी से राहत के लिए ईडी के पास जाना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन के खिलाफ दायर कार्ति चिदंबरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पेशी में मोहलत के लिए ईडी के पास जाने को कहा। मध्य प्रदेश में शनिवार को दो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में तीन विधायकों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक घायल बदमाश को पकड़ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चेन्नई में तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता के जन्मदिन पर AIADMK सरकार की महिलाओं को 50% सब्सिडी पर दोपहिया देने वाली अम्मा टू व्हीलर योजना के लॉन्च कार्यक्रम में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के सुचेतगढ़ में पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन मामले को लेकर BSF और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच सेक्टर कमांडर लेवल की एक मीटिंग हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में RSS प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। यूपी के ग्रेटर नोएडा में वकीलों ने हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रदर्शन किया। मुंबई में MNS के एक नेता नितिन नंदगांवकर पर एक कैब ड्राइवर के वर्दी न पहनने पर उठक बैठक कराने का आरोप लगा। चारा घोटाले में जेल में बंद लालू प्रसाद यादव की जमानत की अर्जी पर पुनर्विचार के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने कम से कम आधी सजा पूरी होने तक का इंतजार करने को कहा। यूपी के नोएडा सेक्टर 27 में पुलिस ने एक हुक्का बार को अवैध बताते हुए छापेमारी की और 12 छात्रों को भी पकड़ा।